तो दोस्तों आज है जनता कर्फ्यू। तो मैं अपने दोस्त नीरज जोशी, जो हमें मेरे टेक्निकल गुरुजी भी हैं, मेरे को ये सब कुछ बताते हैं कि यूट्यूब में कैसे इन्होंने मेरे को मतलब प्रेरणा दी कि यूट्यूब में अपने ब्लॉग डालो, क्योंकि ये पहले से यूट्यूब चलाते थे। तो इन्होंने सब लोग को टेक्निकल चीजें सिखाने के लिए से कौन सा मोबाइल अपडेटेड है या कौन सी टेक्निक आपको व्हाट्सअप या फेसबुक को यूज करनी है, ये सब लोग सिखाते थे। इनका चैनल का नाम है टेक सही है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको वहां से नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे हम लोग काइन मास्टर से वीडियो को एडिट करते हैं या जैसे भी मतलब जो भी टेक्निकल इशू रहते हैं वो सब कुछ ये अपने चैनल में बताते हैं। तो इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज जनता कर्फ्यू है, ऊपर कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, तो आप सेफ रहें। जो प्रिकॉशन गवर्नमेंट हमको दे रही है तो वो प्रिकॉशन जरूर लेनी है, जैसे अपने हाथ को बार बार धोना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, और भीड़ भाड़ वाले इलाके से बहुत ज्यादा दूर रहना है, और अफवाहों से काफी दूर रहें क्योंकि व्हाट्सएप में फेसबुक में बहुत ज्यादा अफवाहें आ रही हैं, और खासकर न्यूज चैनल से भी ज्यादा दूर रहना है, जहां तक मुझे लगता है कि क्योंकि वो लोग काफी डरा रहते हैं। लेकिन अपने आपको सेफ रखना है और अपनी फैमिली वालों को सेफ रखना है, ताकि मतलब कि कोई हमारे मतलब अपना जो बिलव्ड है वो इससे ग्रसित ना हो पाए या जो भी हो, और अपने साथ जो लोग हैं उनको भी जागरूक करना है कोरोना वायरस के खिलाफ, क्योंकि आज मोदी जी ने जनता कर्फ्यू किया है कि हम लोग भी, मैं संडे को कभी रूम पे रहता था, ब्लॉग में जाता था, तो आज हमने ये भी सब स्टेप आउट किया है। कुछ ब्लॉग मैं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि वो ब्लॉग मेरे बहुत पुराने हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं घूम रहा हूँ तो ऐसा नहीं है, मैंने पिछले जब से कोरोना वायरस फैला हुआ है होली के बाद से मैंने पूरा घूमना बंद कर दिया, और जब तक ये फैलता रहेगा तब तक मैं अपने पुराने ब्लॉग डालूंगा सब कुछ सब वीडियो में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मत सोचना कि मैं घूम रहा हूँ और वीडियो डाल रहा हूँ। और हमारे टेक्निकल गुरु जी का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। अभी आज मैं जो ब्लॉग बना रहा हूँ तो देखिए, आज हम लोगों ने मतलब एक पहाड़ी डिश बनाने की कोशिश की हुई है, लेकिन मेरा किचन उतना ज्यादा साफ नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब अब क्या कर सकते हैं कि अब कुछ ना कुछ वर्क करना था घर पर बैठ के, तो मैंने कहा कि चलो एक आपको पहाड़ी डिश बना के दिखाता हूँ कुमाऊनी कैसे बनती है, उसके बाद आप सब कुछ देखें। तो दोस्तों आज है जनता कर्फ्यू, इसलिए सबको अपने घर के अंदर रहना है। तो मैं घर के अंदर ही था तो सोचा था कि अपने लिए क्या बनाऊं दिन में लंच में, तो मैं अपने लिए आज बना रहा हूँ बड़ी साग भात। मैंने सारा सामान पहले तैयार कर चुका हूँ, ये कढ़ाई में तेल रखा हुआ है, इसे थोड़ा गर्म करना है। ये है बड़ी जो बनती है मांस की उड़द की जो दाल होती है उसे, और खीरे को जो हम कद्दूकस करके बनते हैं उसे सुखाते हैं धूप में, उससे बनती है। ये एक कुमाऊनी डिश है। और ये टमाटर काटे हुए हैं दो, और थोड़ा सा अदरक, और चार पांच फली लहसुन की, और साथ में एक प्याज काटा हुआ है, और ये है मेरा बेसन का घोल। अब मैं इसे बनाऊंगा, बस क्या आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। फर्स्ट हम लोग कढ़ाई में कुछ तेल ले लेंगे, इससे पहले थोड़ा सा तेल निकालना पड़ेगा क्योंकि बड़ी को थोड़ा फ्राई करना पड़ता है पहले, तो बड़ी को पहले फ्राई करेंगे इस तेल में। अभी आप देखिए इसका कलर हल्का सा ब्राउन है, अभी ये मतलब वैसे सुखाई हुई है धूप में, मैं इसे फ्राइड करूंगा फिर इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी उसे गैस का तेल गर्म हो रहा है तो मैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो फ्राई करना स्टार्ट कर दिया मैंने बड़ी को, तो हल्के हल्के देखिए अभी ये जलने लग गई हैं, तो तुरंत ही निकालनी पड़ती हैं, ये एकदम से बर्नआउट हो जाती हैं, तो इसका अगर ज़्यादा जल गई तो आपका जो स्वाद होगा वो थोड़ा कड़वा हो जाएगा, तो इनको एक बार तेल जो है गर्म कर लिया हमने तो उसे तुरंत निकालना पड़ता है। तो देखिए ये हल्की सी जल चुकी हैं क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, लेकिन फिर भी ठीक है, ऐसा कलर इसका आता है। आप इसे कम फ्राई भी कर सकते हैं और इतना ही फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जलना नहीं है, जल जाएगा तो फिर आपकी बड़ी कड़वी हो जाएगी। लहसुन और अदरक के ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा प्याज डाल दिया है, अभी कुछ ग्लास में टमाटर मिक्स करूँगा। प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने उसमें टमाटर डाल दिया है, टमाटर आप तीन भी काट सकते हैं, दो भी काट सकते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा खट्टा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें तीन टमाटर काटे हैं। अभी मैंने दो टमाटर काटे थे क्योंकि मुझे कम लगा, तो मैंने एक टमाटर और एक्स्ट्रा काटा। तो मैंने इसमें मसाला डाल दिया, मसाले में सिर्फ मैंने यूज़ किया है कश्मीरी लाल मिर्च जो उसका कलर सही कर देगा, और हल्दी। मैं इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डालता, और लोग धनिया पाउडर भी डालते हैं, लेकिन मेरे को इसको ऐसे बनाने में मज़ा आता है और ऐसे ही खाने में मज़ा आता है। हमारा पूरा मसाला तैयार हो गया, अब हम दो जो बेसन का घोल बनाया हुआ है इसको इसमें डाल देंगे और कुछ देर से उबलने देंगे तो ये पक के तैयार हो जाएगी।
तो मैंने पानी डाल दिया, उसके बाद नमक जिस हिसाब से आप पानी डालोगे उस हिसाब से नमक डाल देना। तो नमक मैंने डाल दिया, अब इसे पकने का इंतजार करते हैं। तब तो मैं चावल बनाता हूँ और चावल का जैसे खाया जाता है, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन कुमाऊनी डिश है और मेरा आज का जो टाइम पास था, क्योंकि आज जनता कर्फ्यू और मोदी जी की सलाह पे हम लोग अपने घर के अंदर ही हैं। तो देखिए आप, इसमें टमाटर और प्याज सब अलग अलग हो रहा है, तो चक्कर में था कि क्या करूँ। मैं कहा चलो एक आपको पहाड़ी डिश बना के दिखाता हूँ। तो इसी के साथ बड़ी मेरी पूरी बन गई, रखी है उबलने लग गई है, इतना ही इसे उबालना है और चावल भी साथ में बन गया है बड़ी के। तो यह है शानदार, मैं जला हुआ भात बना रखा, मैं भात को थोड़ा जलाया था ताकि उसे तला लग जाए, मुझे जला हुआ भात ज़्यादा पसंद है। और ये है बड़ी चावल जो आज हम खाएंगे इस जनता कर्फ्यू के डेट पे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना। बाकी ये ब्लॉग ऐसा इतना अच्छा बना नहीं है क्योंकि मेरी रसोई ऐसी नहीं है, क्योंकि थोड़ा होता है कि हाँ किराए के रूम पर रहते हैं, ऊपर से अभी हम लोग अनमेरिड हैं, सिंगल हैं, तो वैसे हम लोग अपने रसोई को मेंटेन नहीं करते, लेकिन खाना हम लोग खुद अपना बनाते हैं। तो ये पहाड़ी का खाना मैंने अपनी माँ से बनाना सिखा पाया है, तो आप ये इन्ग्रीडियंट्स नोट कर सकते हैं और वैसे ही बना भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।